प्रदेश में लंबे समय से कोरोना संक्रमण के चलते बंद कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज से फिर खुल गए हैं। 16 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश के बाद आज से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फिर से काम शुरू होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी विद्यार्थियों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ को ही आने की अनुमति दी गई है और इस दौरान विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार घर बैठे ही ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा और साथ ही इस दौरान जुलाई में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अगले सत्र के लिए अस्थायी प्रवेश प्रक्रिया का काम किया जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कामकाज के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेज यूनिवर्सिटीज को नए सत्र में किसी भी प्रकार की फीस नहीं बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यदि सरकार के आदेशों का कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, आज से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोल दिया गया है, हालांकि विद्यार्थियों के आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और किस प्रकार की जो एडवाइजरी है वो इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को दी गई है जिनका पालन करना है? तमाम कोरोना पालन करते हुए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो कार्य जो कामकाज है वो फिर से शुरू किया जाए। इस दौरान विद्यार्थियों को आने की अभी अनुमति जारी नहीं की गई। कोरोना के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ता नजर आ रहा है, बिल्कुल विद्यार्थियों के आने की अनुमति भी जारी नहीं की गई। लेकिन ई कंटेंट के जरिए फिर से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उनको पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री है वो उपलब्ध करवाने के शिक्षा मंत्री बहुत से निर्देश दिए हैं। इसी के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री बहुत सिंह पाठक ने निर्देश दिए की जो जुलाई माह में होने वाली कॉलेज की परीक्षाएं हैं उनको लेकर जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।